Hello everyone, this side Kamal Kishore Saini and today we are talking about KVPY. तो यार KVPY के रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट आया हुआ है जो भी है KVPY की वेबसाइट पे, एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि भैया हमने जो है बहुत सारी कोचिंग के अंदर कोर्सेस ले लिए हैं KVPY के, और अब हमारा क्या होगा। जैसा कि आप लोग KVPY की वेबसाइट पे अगर विजिट कर रहे हो तो आपको एक जो है बड़ा सा नोटिस शो कर रहा है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ठीक है। उस पर ये लिखा है कि नो लॉन्गर KVPY दिन 2022 सेशन, राइट। सो स्टूडेंट का ये कंसर्न है काफ़ी स्टूडेंट का कि भैया जो भी जैसा कि हमारा IISc बेंगलोर जो है KVPY के थ्रू एडमिशन लेता है, ICER जो है KVPY के थ्रू एडमिशन लेता है, हमने जो है काफ़ी सारे कोर्सेज ले लिए हैं, जैसे काफ़ी स्टूडेंट ने LAN के अंदर ज्वाइन कर लिया है, काफ़ी ने ऑनलाइन अनअकैडमी वगैरह पे बायजूज पे ज्वाइन कर लिया है। तो अब हम क्या करें, हमारी जो फीस है वो भी हमने काफ़ी पे कर दी है, स्टूडेंट ने काफ़ी सारों ने EMI पर ले रखा है। तो यार काफ़ी मतलब बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार KVPY में क्या प्रॉब्लम है, और अगर जब KVPY नहीं हो रहा है तो अब हमारा क्या होगा, राइट। अभी मैं वीडियो देख रहा था तो जो है यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि आपके लिए नया एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट नई स्कीम लेके आ रही है, तो क्या सारा सीन है, कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हो रहा। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है जो भी काम करती है हमारे हित के लिए करती है, जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है हमारे हित के लिए करता है जिससे हमें फ़ायदा हो, ओके। सो जो भी गवर्नमेंट है, चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे हमारे कॉलेजेज हो, चाहे हमारे स्कूल हो, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे जिससे हमें कोई डिफ़िकल्टी हो, स्टूडेंट को कोई परेशानी हो, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो, राइट। अब इससे जो है जो KVPY का जो एग्ज़ाम अब कैंसिल हुआ है, इन फ्यूचर जो KVPY का एग्ज़ाम नहीं होगा अब, सो जिन भी स्टूडेंट हमारे कोर्सेस लिए हैं उनका जो रिफ़ंड है वो कर दिया जाएगा, फुल रिफ़ंड मिलेगा, ठीक है। एक भी पैसा आपका नहीं कटेगा उसमें, ठीक है, सारा का सारा रिफ़ंड दिया जाएगा। जिन भी स्टूडेंट को फैकल्टी ने पढ़ाया है, डोंट वरी, आपका कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो ये मैं फुली कंफर्म कर रहा हूँ कैमरे के सामने। अब अपन बात करते हैं आगे, आखिरकार KVPY में ऐसा क्या होने वाला है KVPY की जगह। तो यार ये जो है बोल रहे हैं कि इंस्पायर जो स्कॉलरशिप है उसके साथ मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब हो सकता है NTA की तरफ से कोई अलग ओलंपियाड टाइप कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाए। वैसे KVPY अगर अपन देखें तो काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन था, जो भी है IISc जैसे संस्थान के अंदर काफ़ी अच्छे बच्चे जा रहे थे KVPY के रिगार्डिंग। सो यार ये गवर्नमेंट का कंसर्न है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जो भी उनका कंसर्न हो, उनको जो भी अच्छा ऑप्शन हो हमारे लिए, तो वही गवर्नमेंट करेगी। और हम इसी उम्मीद के साथ, कोई भी आपके लिए अपडेट होता है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू रिगार्डिंग द KVPY। और अभी के लिए यही अपडेट है कि आपके जो KVPY के जो इस सेशन यानी कि 2022 के जो अगस्त में फॉर्म लॉन्च होने वाले थे वो जो है अब लॉन्च नहीं होने वाले, यानी कि जो KVPY के जो फॉर्म्स हैं वो अब नहीं आने वाले, KVPY जो है बंद हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट ने 2021 के अंदर KVPY का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि इस साल जो अभी जो रिजल्ट आया है, जो भी है जून के अंदर, जो पिछले वीक जो रिजल्ट आ रहा है, ये जुलाई जून में जो भी है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का जो सिलेक्शन हुआ है KVPY स्कॉलर्स के द्वारा, उनको जो है 5 साल तक जो भी आपका स्कॉलरशिप, आप अगर जो कोर्स सेलेक्ट करते हो वो आपको मिलेगा। और जो स्टूडेंट पिछले जो है 2020 में सेलेक्ट हुए थे, 19 में सेलेक्ट हुए थे, उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है। जो जितने सालों से, यानी कि 21 वाले जो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप मिल गया, डोंट वरी, आपका तो वैसे ही चलेगा जैसे चलते आ रहा है। इन फ्यूचर जो नए जो बच्चे हैं उनके लिए जो KVPY वो है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब KVPY के लिए हो सकता है कोई अदर एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दे, वो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, सारा का सारा सीन। और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो, सुझाव हो, क्वारी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।